इमेजिन करिए कि आपकी कंट्री वॉर में है और आपको एक मिशन दिया गया कि आपको एक जंगल के पास जाना है और वहां पे उस एरिया को डिफेंड करना है। और आपको ये कहा गया कि जब पूरा मिशन खत्म होगा, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो आपको वहां से ले जाने के लिए आपके देश के कुछ सुपीरियर ऑफिसर आएंगे, ऐसा अगर आपको बोला गया। और फिर आप वहां पे गए और आप जाके जंगलों में छुप गए और लड़ाई खत्म हो गई, आपका देश अब लड़ाई खत्म कर चुका है, बट आपको कोई लेने के लिए नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में आप कितने समय तक जंगल में रहेंगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल? ऐसे ही एक रियल कहानी के बारे में आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक ऐसी स्टोरी है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी हिस्ट्री की छोटी छोटी कहानियां जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उस पेज पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स और छोटी छोटी कहानियां बताता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है साल 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी स्टेजेस में है। वहां पे जापानी आर्मी का एक सोल्जर था जिसका नाम था हिरो ओनोडा। इस फौजी ने 1944 में जापानी आर्मी ज्वाइन की और इसके कमांडिंग ऑफिसर ने इसको बोला कि तुमको ल्यूबांग आइलैंड जो फिलीपींस में है वहां पे जाके ड्यूटी देनी है और उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिफेंड करना है। अगर आपके ऊपर हमला होता है फिर भी किसी भी कीमत पे आपको दुश्मन को जगह को लेने नहीं देना है और आपको अपनी रक्षा करनी है, अपने जूनियर लोगों की रक्षा करनी है और किसी भी कीमत पे सुसाइड करने का तो सोचना भी मत। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, आपको लेने के लिए हम लोग खुद आएंगे। जापानीज आर्मी की कोई टुकड़ी ही आपको वहां से निकालने के लिए आएगी, तब तक उसके पहले आप इस जगह को छोड़ना मत, यहां से हिलना मत। बहुत ही आयरोनिकल बात यह है कि जिस सीओ ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और हिरो ओनोडा को कहा था कि आपको यहां रहना है, सरेंडर नहीं करना है, उस सीओ ने खुद इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सरेंडर कर दिया था एलाइड फोर्सेस को। ये आइलैंड जहां पे हिरो ओनोडा अपने कुछ फौजियों के साथ था, इस आइलैंड को 2-2.5 महीनों में एलाइड फोर्सेस ने, यानी अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। उस आइलैंड पे जो जापानीज सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे लोगों को तो कैप्चर कर लिया गया, बट कुछ जापानीज सोल्जर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के ऐसे जंगलों में भाग के वहीं गायब हो गए और उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप था हिरो ओनोडा का। जितने ग्रुप्स जंगल में भी छुपे हुए थे उनमें भी बहुत सारे ग्रुप्स को पकड़ लिया गया, फिर उनको मार दिया गया, बट ओनोडा का ग्रुप बचा हुआ था। वो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अटैक करते थे, फिर वापस रिट्रीट करते थे, छुप जाते थे। जब भी उनको सप्लाईज चाहिए होती थी तो बाहर आके अटैक करके सप्लाईज लेके छोटा सा रेड करके वापस आते थे और जंगल में छुप जाते थे। कुछ महीने बीतने के बाद यानी अक्टूबर 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 2 महीने हो चुके थे, तब हिरो ओनोडा को एक लीफलेट मिला। उस लीफलेट में लिखा था कि जापानीज आर्मी ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ये लीफलेट में एक पेपर के टुकड़े पे लिखा हुआ मिला हिरो ओनोडा को। ध्यान रखिए कि ओनोडा के पास दुनिया की कोई खबर नहीं थी, तो जब उसने पेपर पढ़ा तो उसके और उसके साथियों में से किसी को भी इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि यार जापानीज आर्मी इतने जल्दी कैसे हार जाएगी। उन फौजियों ने कुछ ही महीने पहले ज्वाइन किया था तो उनको लग रहा था कि अभी तो हमने ज्वाइन किया, इतने जल्दी जापानीज आर्मी कैसे लड़ाई हार सकती है। ओनोडा और उसके साथियों को यह भी पता नहीं था कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अचानक जापानीज आर्मी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, उनमें वापस हमला करने की क्षमता बहुत कम हो गई है, इसीलिए जापान को सरेंडर करना पड़ा। तो इस तरह ओनोडा और उनके साथियों ने ये लीफलेट पढ़ा तो सही, फिर भी उन्होंने इसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि ये ऐसी बकवास है और उन्होंने अपनी छोटी छोटी रेड्स जहां पे वो लोकल फार्म्स में जाके हमला करते थे, उनकी फसल चुराते थे, छोटा मोटा खाने का सामान लेते थे और लोगों को इंजर करते थे, इन हरकतों से लोकल लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने फिर कंप्लेन की और फिर इस पूरे जंगल के ऊपर जहां पे लोग छुपे थे, उस जंगल के ऊपर एक B-17 बोइंग हवाई जहाज ऊपर गया और फिर से बहुत सारे लीफलेट गिराए। इस लीफलेट में जापान के एम्परर का रिटेन मैसेज था कि हमने सरेंडर कर दिया है, जितनी भी फोर्सेस कहीं भी छुपी हुई हैं उनको बाहर आ जाना चाहिए, उनको फॉर्मली सरेंडर कर देना चाहिए। फिर से ओनोडा के ग्रुप के पैम्फलेट्स मिले और उन्होंने फिर से सोचना शुरू किया। उनको लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जापानीज आर्मी लड़ाई हार गई हो, और अगर जापान जीता है लड़ाई में तो उनको बताया गया था कि उनको लेने के लिए ऑफिसर्स आएंगे, एक जापानीज आर्मी की यूनिट आएगी उनको यहां से रिलीव करने के लिए। वो लोग नहीं आए, इसका मतलब अभी तक लड़ाई चल रही है और ये सब जो पैम्फलेट्स गिरा रहे हैं ये पूरी तरह झूठ है। इसके बाद फिर पैम्फलेट्स गिराए गए हवा से और इस बार पैम्फलेट्स में न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, फोटोज थी, जितने लोग जंगल में थे जो ओनोडा के ग्रुप में थे, उन ग्रुप में जो रिश्तेदार थे लोगों के, उनके लेटर्स थे
और यहां तक कि डेलीगेट्स ऑफिशियल्स के बहुत सारे लेटर्स ऊपर से गिराए गए कि भैया लड़ाई खत्म हो चुकी है, बाहर आ जाओ। पर इन सारे मैसेज को जो ओनोडा का ग्रुप था वो ये सोच के इग्नोर कर दे रहा था कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जापानीज आर्मी लड़ाई हार गई, और कोई भी बाहर निकल ही नहीं रहा था। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होने के बाद भी इनका जो जंगल में छुपे रहने का सिलसिला था वो बराबर लगातार चालू रहा, और वो लोग जंगल में ही छुपे रहे। ऐसे करते करते एक महीना बीता, दो महीना, पांच महीना, दस महीना, एक साल, दो साल, पांच साल बीत गए, और ये जो चार लोग थे जो जंगल में छुपे हुए थे वो छुपे ही रहे। जब पांच साल खत्म हुए तो उनमें से एक आदमी को लगा कि शायद सच में यार हम लड़ाई में हार चुके हैं, और वो इंसान बाकी तीन लोगों से बच के, अपने बाकी ग्रुप से बच के, छुपते छुपाते बहुत समय जंगल में बिताते हुए बहुत महीने के बाद बाहर निकला और उसने अपने आप को सरेंडर किया। जब बाकी तीन लोगों ने देखा कि हमारा एक साथी गायब हो गया तो उन्होंने ये जुम्मन नहीं किया कि हमको छोड़ के भाग गया होगा, उनको लगा कि लड़ाई अभी भी चल रही है और उनके साथी को कैप्चर कर लिया गया, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जंगल में और भी अंदर छुप जाएंगे और भी कम नजर आएंगे बाहर। वो ये मन में मान के बैठे थे कि वो लड़ाई चल रही है और उनको छुपे ही रहना है। पांच साल तक वो वहीं पे छुपे हुए थे। उसके बाद और पांच साल बीते और उनमें से जो तीन बचे थे उनमें से एक इंसान को गोली लग गई तो वो भी मर गया। दस साल बीत चुके हैं, अब बचे हैं दो लोग। ये जो दूसरा आदमी मरा, इस आदमी के मरने के 17 ईयर्स के बाद, यानी कुल मिला के यहां 10 और यहां 17, 27 ईयर्स के बाद ये दोनों फौजी एक बार लोकल किसी जहां पे लोग रहते थे वहां पे हमला करने आए थे, रेड करने के लिए, सप्लाईज देने के लिए आए थे, वहां पे उन लोगों के ऊपर हमला हुआ और उनमें से एक आदमी और मारा गया और ओनोडा फिर से बच के जंगल में चला गया। जब वो एक आदमी मारा गया और उसकी बॉडी को देखा तो लोगों को लगा कि ये तो ऑलरेडी मर चुका था लड़ाई में, पर जब लोगों ने देखा कि ये जिंदा है और अभी मरा तो फिर उनको डाउट हुआ कि शायद हो सकता है कि इसके जो साथी हैं वो अभी भी जंगल में ही हो। इस तरह से ओनोडा की तलाश में जंगल में बहुत सारी सर्च पार्टीज भेजी गई, बहुत लोगों को भेजा गया, बहुत पैम्फलेट्स गिराए गए, यहां तक कि ओनोडा के अपने सगे भाई को जंगल में भेजा गया और वो जंगल में जाके लाउड स्पीकर पे ऐसे मतलब बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं, बाहर आ जा, और गाने गा रहा था जो बचपन में गाते थे ताकि उसका भाई उसको पहचान ले। बट गाना गाते गाते उसको बहुत इमोशनल लग रहा था उसके भाई को, तो थोड़ा रोने लग गया, और जब ये आवाज ओनोडा ने सुनी तो समझ गया कि ये कोई मेरा असली भाई नहीं है, किसी इंसान से मेरे भाई की आवाज निकलवा रहा है। आप देखिए ओनोडा कितनी बुरी तरह अपने मन में इस बात को लेकर बैठा हुआ था कि जापानीज आर्मी हार नहीं सकती है और ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम इस जंगल में ही छुपे रहेंगे। 27 ईयर्स हो गए थे और वो बंदा अभी भी बाहर नहीं आया था। ये सिलसिला चलता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो 1945 में खत्म हो गया था वहां से 29 ईयर्स बाद, यानी 1974 में, ये तीन दशक, 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स के बाद फाइनली एक बंदे को, एक एडवेंचरर था जो कॉलेज स्टूडेंट था, उसको उस जंगल में ओनोडा दिखा। ओनोडा का लगा कि ये बंदा कोई स्पाई है तो ओनोडा तुरंत उसको मारने के लिए गया, बट ओनोडा ने उस पर गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि उसने देखा कि इस बच्चे ने जो पैर में पहना है वो एक ऐसा फुटवेयर है जो सिर्फ सिविलियंस पहन सकते हैं, और ये देख के ओनोडा को विश्वास हो गया कि ये आदमी फौजी नहीं है। फिर उस कॉलेज स्टूडेंट ने बैठ के ओनोडा को बताया कि भाई लड़ाई खत्म हो चुकी है, लड़ाई 29 ईयर्स पहले खत्म हो गई है, अब आप जहां पे छुप के बैठे हो वो जापान की टेरिटरी नहीं है, ये फिलीपींस की जगह है और उनकी अब अपनी सरकार है, आपको बाहर आना होगा। बट अभी भी ओनोडा राजी ही नहीं हो रहा था बाहर आने के लिए। उसने कहा था कि मुझे कहा गया था कि मेरे को लेने के लिए आर्मी की कोई यूनिट आएगी, मेरे सुपीरियर ऑफिसर जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था वो खुद आएंगे मुझे लेने के लिए। हार के वो कॉलेज स्टूडेंट वहां से निकला, जापान गया, और जो ओनोडा का कमांडिंग ऑफिसर था जिसने ओनोडा को ये बात कही थी कि आपको लेने के लिए हम खुद आएंगे, आपको सरेंडर नहीं करना है, वो बंदा फॉर्चुनेटली अभी जिंदा था, वो एक बुक स्टोर पे काम करता था, तो उसको लाया गया और वो बंदा जाके ओनोडा से जंगल में मिला और उसको बोला हाँ लड़ाई अब खत्म हो चुकी है ओनोडा, अब आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह 10 मार्च 1975 का वो दिन था जब 52 ईयर्स ओल्ड हीरो ओनोडा जंगल से बाहर निकले और उन्होंने अपनी वही जापानीज आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के रखी थी जो अभी भी बहुत साफ सुथरी थी 29 ईयर्स के बाद भी, और उन्होंने फिलीपींस के प्रेसिडेंट को फॉर्मली सरेंडर किया और अपनी समुराई स्वॉर्ड उनके हवाले की। वो जो पिक्चर है जब वो सरेंडर कर रहे हैं वो पिक्चर बहुत फेमस है।
इस तरह ओनोडा ने 29 ईयर्स फिलीपींस के इस जंगल में बिताए और वो और उनके साथी जो बीच बीच में आके रेड मारते थे और लोकल कैंप्स में और सिविलियंस को हैरेस करते थे, उनको इंजर करते थे, उनको मार भी देते थे, इस तरह से उन्होंने टोटल 30 लोगों की जान ली थी। इस वजह से फिलीपींस में, फिलीपींस के लोगों में ओनोडा के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं थी और लोग कह रहे थे कि ओनोडा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। बट फिर भी फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने ओनोडा को फॉर्मली माफ कर दिया, उसको एक फॉर्मल पार्डन दिया। प्रेसिडेंट ने उनको माफी इस बिना पे दी कि ओनोडा को सच में पता नहीं था कि लड़ाई खत्म हो गई है और वो जो भी हरकत कर रहे थे वो अपने देश के लिए कर रहे थे और उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि उनको लोकल लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उनके मन में यह था कि वो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसने 29 ईयर्स एक जंगल में बिता दिए और ऐसे काम के लिए जो काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, उस काम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और उसके ऊपर से उसने और उसके साथियों ने मिलकर 30 लोगों की जान ली है, ऐसे 30 लोग जो बिल्कुल सिविलियंस हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो आप सोचिए ऐसा इंसान जब वापस अपने देश आएगा तो उसको कैसा लगेगा। हालांकि जापान में ओनोडा की बहुत वाहवाही हुई, बहुत लोगों की तारीफ कर रहे थे, उनकी एकदम फैन फॉलोइंग बन गई, बट पर्सनली ओनोडा इस सारी बात से, इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। बट क्योंकि जापान के लोगों में ओनोडा की बहुत तारीफ की जा रही थी, उनके इस डेडिकेशन और इस देश प्रेम की बहुत वाहवाही हो रही थी, इसीलिए जापानी सरकार ने ओनोडा को उनकी जो इतनी साल की सैलरी थी उनको एक साथ देने के लिए ऑफर किया। ओनोडा ने इस बात के लिए मना कर दिया। फिर जब उन पर बहुत प्रेशर डाला गया कि आपको सैलरी ले लेनी चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है कि ओनोडा ने सैलरी लेके वो चैरिटी में दे दी थी। ओनोडा ने जो इतना लंबा समय जंगल में बिताया, 29 ईयर्स, वो भी तब जब लड़ाई खत्म हो चुकी है, इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, वो कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, वो कैसे हर बार छुपते थे, कभी भी कोई भी सर्च पार्टी उनको पकड़ नहीं पाई, इस सारी चीज का अच्छा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उस बुक का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, आप वहां से जाके वो बुक ले सकते हैं। हीरो ओनोडा की डेथ हुई साल 2014 में, जब वो 91 ईयर्स के हो गए थे। इस पूरे किस्से को लेके लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक हिस्सा ये मानता है कि ओनोडा ने जो किया वो एक सच्चे देश प्रेम और ट्रू डेडिकेशन का सिंबल है। नॉर्मली लोग सरेंडर कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, बट इस बंदे ने अपनी लाइफ पूरी तरह सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ इस बात के लिए कि वो अभी वॉर में है और उनको वहां से बाहर नहीं निकलना, इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे थे। तो कुछ लोग तो उनको बहुत बड़ा मानते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बट जो दूसरा साइड है लोगों का, वो ये कहता है कि आपने चाहे अपने देश की सेवा करने के लिए, जो भी करने के लिए आप इतने दिन तक वहां पे थे, बट आपने 30 ऐसे लोगों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो सिविलियंस थे और वो नॉर्मली अपना काम कर रहे थे, इस सब में उनकी क्या गलती थी जिनको ओनोडा और उनके ग्रुप ने मारा? तो क्या ओनोडा का इतना पागलपन, इतना एक्सट्रीम लेंथ तक जाना सही था? तो इन दो विचारधाराओं में लोग बटे हुए हैं। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अगर आप किसी जंगल में फंसे हो और आपको ऐसा बताया गया हो कि आपको बाहर नहीं आना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता लगाएंगे कि अब आपकी देश लड़ाई हार चुकी है या जीत चुकी है और अब आपको बाहर आना है? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, कैसे आप कंफर्म करेंगे कि जो पैम्फलेट्स गिराए जा रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं आके, वो बात सच है? अपने विचार, अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।